أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو मैं हूँ मोहसिन दवा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन। दोस्तों ये मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर मैंने अपने रिकॉर्डेड लेक्चर रखे हैं, तो मैं आप तमाम दोस्तों को कहूँगा कि आप 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए, जिसका यूआरएल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, और वहाँ पे जो मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं आप उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और दूसरा मेरा चैनल की टू सक्सेस है, जिसके ऊपर मैंने मिड टर्म और फाइनल टर्म के हवाले से काफ़ी अच्छा मटेरियल रखा है, और वो आपको एक ही घंटे में आपको उस सब्जेक्ट की तैयारी इंशाल्लाह करवा देगा। दोस्तों बात करते हैं आज की इस वीडियो की। आज की वीडियो हमारी ACCA 501 बिजनेस फाइनेंस का जो हमारा क्विज नंबर 1 आया हुआ है स्प्रिंग 2020 का, उस हवाले से है। तो चलिए हम लोग अपना क्विज करते हैं। दोस्तों इसमें हमें इस बार जो है वो क्विज जो है वो 15 आए हैं। पहले जो नॉर्मली रूटीन है क्विजेज की वो 10 होती है, तो इसमें हमारे 15 MCQs हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज नॉट कवर्ड बाय इन्वेस्टमेंट एरिया ऑफ फाइनेंस। इसमें है बेस्ट मिक्सचर ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, एसोसिएटेड रिस्क एंड रिवार्ड, प्राइसिंग फाइनेंशियल एसेट्स। तो इसमें दोस्तों सेकेंड वाली जो ऑप्शन है इंटरनेशनल एस्पेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये हमारा जो है बिजनेस फाइनेंस के अंदर नहीं आता, बल्कि इसका एक पूरा एक अलग से सब्जेक्ट है। नेक्स्ट का जी क्वेश्चन नंबर 2, कैश फ्लो टू द क्रेडिटर कैन बी कैलकुलेटेड बाय द यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इंटरेस्ट पेड माइनस रिटायरमेंट ऑफ डेट माइनस न्यू बोरोइंग प्लस डिविडेंड। सेकेंड ऑप्शन है इंटरेस्ट पेड प्लस रिटायरमेंट ऑफ डेट प्लस न्यू बोरोइंग माइनस डिविडेंड, इंटरेस्ट पेड माइनस रिटायरमेंट ऑफ डेट माइनस प्रोसीड फ्रॉम न्यू बोरोइंग, और लास्ट में है आपके पास इंटरेस्ट पेड प्लस आपकी रिटायरमेंट ऑफ डेट और माइनस फ्रॉम न्यू बोरोइंग। तो दोस्तों इसमें आपकी जो लास्ट वाला है इंटरेस्ट पेड प्लस रिटायरमेंट ऑफ डेट माइनस प्रोफिट फ्रॉम न्यू बोरोइंग, ये आपका जवाब जो है लास्ट वाला, वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बिजनेस फाइनेंस एड्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो बिजनेस फाइनेंस जो है वो इन सारी टर्मिनोलॉजीज को डील करता है, तो इसलिए हमारा जो जवाब है वो लास्ट वाला ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, मिस्टर ए हैव जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, ही विल बी ओनली द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड ऑल्सो इंजॉय ऑल द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, विच टाइप ऑफ बिजनेस इज बींग एम्प्लॉयड बाय मिस्टर ए, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है और कॉरपोरेशन है, और लास्ट में नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है। तो व्हेन ओनली सिंगल पर्सन स्टार्ट अ बिजनेस एंड एंजॉय द होल प्रॉफिट ऑफ दैट बिजनेस इज नोन एज द सोल प्रोप्राइटरशिप। तो फर्स्ट वाला जो है वो हमारा इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सिस्टम अ टैक्स पेयर इज चार्ज यूनिफॉर्मली फॉर ऑल लेवल ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम। इसमें प्रोग्रेसिव टैक्स रेट है, मार्जिनल टैक्स रेट है, फ्लैट टैक्स रेट है और एवरेज टैक्स रेट है। यूनिफॉर्म टैक्स रेट जो है वो आपका ऐसा रेट होता है कि वो सबके लिए वही है, यूनिफॉर्म जैसे होता है कि आपके स्कूल की एक यूनिफॉर्म है तो सारे बच्चों की वही यूनिफॉर्म है, तो आपका ऐसा टैक्स रेट जो सबके लिए हर लेवल के ऊपर एप्लीकेबल हो, तो वो आपका फ्लैट टैक्स रेट होता है। तो वो आपका थर्ड जो ऑप्शन है इसमें वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टैक्स एडमिसिबल आइटम एक्सेप्ट। इसमें इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, सैलरीज पेएबल है और डेप्रिसिएशन है। तो इसमें जो थर्ड वाली ऑप्शन है वो आई थिंक के इसका ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बेस्ट रिप्रेजेंट द नेट वर्किंग कैपिटल। इसमें करंट एसेट्स माइनस आपकी करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स इज इक्वल टू करंट लाइबिलिटीज और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो वी हैव कैलकुलेटेड द नेट वर्किंग कैपिटल विद द फॉर्मूला ऑफ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इन द गिवन ऑप्शंस। द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो सेकंड वाली जो ऑप्शन है वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कैश आइटम, इसमें टैक्स है, डेप्रिसिएशन है और अकाउंट रिसीवेबल है और ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। तो आपका जो डेप्रिसिएशन है ये आपका नॉन कैश आइटम है, क्योंकि हम जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो इसमें हम ना तो कोई कैश पे करते हैं और ना ही हम कोई कैश रिसीव करते हैं, तो ये इसलिए हमारा नॉन कैश आइटम है। तो सेकंड वाला जो है वो हमारे इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑनर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है। तो इसमें आपकी जो लिमिटेड लाइबिलिटी है वो आपकी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की या कॉरपोरेशन की होती है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप की और पार्टनरशिप की जो है वो आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, मतलब काफी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। 10th नंबर क्वेश्चन है जी, द कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन स्टॉक होल्डर एंड मैनेजमेंट इज नोन एज, एजेंसी प्रॉब्लम है, इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट है, मैनेजमेंट कंफ्लिक्ट है और एजेंसी कॉस्ट है। तो इसमें जो कंफ्लिक्ट होता है वो आपका एजेंसी प्रॉब्लम होता है। तो फर्स्ट वाला जो है वो आपका इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पीरियड कॉस्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपके सेलिंग एक्सपेंसिव हैं, रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल लेबर है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है। तो आपकी जो पीरियड कॉस्ट है इट इंक्लूड द सेलिंग एक्सपेंसिव ऑफ दैट कंपनी, तो फर्स्ट वाली जो ऑप्शन है वो इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑल बिजनेस इनकम इज नॉट कंसिडर्ड एज पर्सनल इनकम, इसमें कॉर्पोरेट फॉर्म है, पार्टनरशिप है और सोल प्रोप्राइटरशिप है और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है। तो ये हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा बिजनेस है जिसमें हमारी जो जितनी भी इनकम है वो इसको पर्सनल इनकम कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि उसमें से एक्सपेंसिव जो है वो माइनस किए जाते हैं। तो थर्ड वाली जो ऑप्शन है वो इसका ठीक जवाब है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर बिजनेस डेट, कि आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी किस में होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, जनरल पार्टनरशिप है, कॉर्पोरेशन है और ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कॉर्पोरेशन हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, उनकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। तो इसमें थर्ड वाली जो ऑप्शन है वो हमारे इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑल ओनर शेयर इन गेन एंड लॉस एंड ऑल हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी फॉर द डेट, इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप है, जनरल पार्टनरशिप है, लिमिटेड पार्टनरशिप है एंड कॉर्पोरेशन है। अब देखें यहां पे बात की जा रही है अनलिमिटेड लाइबिलिटी की, तो हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में भी होती है और पार्टनरशिप में भी होती है, लेकिन यहाँ पे पार्टनरशिप के दो हैं। तो जनरल पार्टनरशिप हमारी ऐसी पार्टनरशिप है जहां पे आपको जो लॉस है वो भी इक्वली डिवाइड किया जाता है और आपकी जो लाइबिलिटी है वो भी अनलिमिटेड होती है। तो सेकंड वाली जो ऑप्शन है वो इस सवाल का ठीक जवाब है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जी, इन विच टाइप ऑफ मार्केट न्यू सिक्योरिटीज आर ट्रेड, इसमें प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है, ट्रेजरी मार्केट है और नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है। तो प्राइमरी मार्केट इज द मार्केट वेयर द न्यू सिक्योरिटीज आर ट्रेड बिटवीन द शेयर होल्डर। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो इस सवाल का बिल्कुल ठीक जवाब है। दोस्तों ये था हमारा क्विज ACCA 501 बिजनेस फाइनेंस का। आखिर में मैं फिर आप लोगों को कहूंगा, आप 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए, वहां पे आपके इस सब्जेक्ट के भी लेक्चर, ACCA के भी लेक्चर अवेलेबल हैं, आप उससे भी जरूर फायदा उठाएं। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सॉल्यूशन के साथ या GDB सॉल्यूशन के साथ, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।